हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी अपनी रसोई में। और दोस्तों, आज हम नाश्ता बनाएंगे बचे हुए चावल का। ये दोस्तों नाश्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जब घर में चावल बच जाते हैं, उनको किसी को खाने का मन नहीं करता है, तो जल्दी से आप उठाएं चावलों को और झटपट ये नाश्ता बना के तैयार करें। तो दोस्तों, मैंने ये एक कटोरी बचे हुए चावल लिए हैं। आप ये नाश्ता बचे हुए चावल का भी बना सकते हैं, या फिर आप चावल को बना के ताजे चावल का भी बना सकते हैं, तब भी उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। इसमें डालने के लिए दोस्तों मैंने कटा हुआ हरा धनिया लिया है, एक हरी मिर्ची ली है, थोड़ी सी मैंने अदरक ली है और थोड़ी सी मैंने प्याज ली है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। तो इन सभी चीजों को इसमें मिला देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे एक चम्मच बेसन। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और अब हम डालते हैं थोड़े से कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें, क्योंकि चावल में भी पहले से नमक होता है। और एक चुटकी डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, और 1/4 चम्मच यानी एक चुटकी ही डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर, और थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्ची। लाल मिर्ची आप कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर ज्यादा तीखा पसंद है तो आप बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें जीरा। अब हम डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा दोस्तों डालेंगे हम चाट मसाला। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और सभी चीजों को मिक्स करते हैं। और दोस्तों मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, तो पानी अभी हम एक चम्मच डालेंगे। जरूरत के हिसाब से आप पानी मिला लें, और पानी एक साथ इकट्ठा न डालें। और इस तरह इसको मसलते हुए हम आटे की तरह एक डो बना लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने ये डो की तरह गूंद लिया है। नहीं बहुत ज़्यादा टाइट है और ना बहुत ज़्यादा ढीला है। अगर आपको ढीला लगे तो आप इसमें बेसन एक चम्मच और डाल सकते हैं, और अगर आपको टाइट लगे तो आप पानी डाल सकते हैं। तो अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं नाश्ता। तो दोस्तों नाश्ता आप अपनी मर्जी के हिसाब से आप बना सकते हैं। मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ, इस तरह से मैंने लंबा एक कटलेट की तरह इसको शेप दी है। तो इसी तरह से मैं सारा नाश्ता बना लेती हूँ। देखिए मैंने सभी नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं इसको फ्राई करने। ये दोस्तों मैंने कढ़ाई में तेल डाल रखा था, और तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसको डाल देते हैं, और इसको लो मीडियम गैस पर हम सेकेंगे, क्योंकि बहुत तेज आंच पर नहीं सेकेंगे। अगर तेज आंच होगी तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इसको तुरंत नहीं पलटना है, एक मिनट बाद पलटना है, जब ये थोड़ा सा सिक के ऊपर आ जाए। ये देखिए सारा नाश्ता हमारा इस तरह से सिक चुका है ये जो, और हम इसको पलट देते हैं। और इसको लौट पलट कर इसी तरह से क्रिस्पी होने तक दोनों तरफ अच्छे से सेकेंगे। ये देखिए सारा नाश्ता हमारा सिक चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और बाकी का सभी को इसी तरह से सेक लेते हैं। ये देखिए दोस्तों बचे हुए चावल का हमारा कितना अच्छा नाश्ता बनके तैयार हुआ है। आप इसको कटलेट की शेप में आप बना सकते हैं, या फिर आप इसको कटलेट भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको गोल आकार में भी बना सकते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप एक बार इस नाश्ते को ज़रूर बनाएं, चाय के साथ बनाएं, या फिर बच्चों के लंच के लिए बनाएं, या फिर आप किसी भी टाइम इसको बना के इसको खा सकते हैं। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्त अगली रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।